नमः शिवाय। शिव शंकर की उपासना में द्वादश ज्योतिर्लिंगों का बड़ा महत्व है। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। महाराष्ट्र की धरती भारत वर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों में 5 ज्योतिर्लिंगों का हजारों वर्षों का इतिहास अपने में समेटे हुए है। इन तीर्थों में एक महाराष्ट्र के पूना जिले में भीमा नदी का उद्गम स्थान है, जहां भीमा शंकर हैं। हे भोले। श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग स्थान पूना से लगभग 125 किलोमीटर पर स्थित है। पुणे नाशिक महामार्ग पर राजगुरु नगर और मंचर मार्ग पर भीमा शंकर देवस्थान है। धारी पधारो, बैठे छुप के कहां गंगा जटा में तुम्हारी। ये स्थान सह्याद्री पर्वत के एक भाग में है, जहां ऊंचे ऊंचे स्थानों वाला पवित्र क्षेत्र है भीमा शंकर। महासती के पति मेरी सुनो वंदना। चलिए इस पवित्र ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। के कहां आओ मुक्ति के दाता, हो आओ मुक्ति के दाता, पड़ा संकट यहां। भागीरथी गंगा स्वर्ग से श्री शंकर की जटा में समाकर फिर धरती पर उतरी थी। यहाँ भीमा नदी भगवान शिव के अंग से उत्पन्न पसीने रूपी जल से उत्पन्न हुई। ये भीमा नदी का उद्गम स्थान शंकर जी के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भीमा शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीमा शंकर स्थान की ठंडी भक्तों के लिए कष्टकारक नहीं बल्कि सुख प्रदान करती है। ये स्थान समुद्र तल से लगभग 4000 फीट ऊंचा है। नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा, इच्छा तुम्हारी बिन कुछ भी न होता है भोले। शिवरात्रि में लोग यहाँ यात्रा करते हैं तो यहाँ का संपूर्ण वातावरण शिवमय हो जाता है। इधर अनेक भक्तों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ का परिचय और महात्म्य संत श्री नामदेव जी रचित ग्रंथों में मिलता है, जिसका प्रमाण श्री शिवलीला अमृत, गुरुचरित्र, स्तोत्र रत्नाकर आदि ग्रंथों में भीमा शंकर के महात्म्य का वर्णन देखा जा सकता है। संपूर्ण भारत में अनेक तीर्थ स्थान हैं, परंतु भीमा शंकर तीर्थ स्थान के साथ साथ उत्तम पर्यटन स्थल भी है। मेरी तपस्या का फल चाहे ले लो, गंगा जल अब अपने भक्तों को दे दो। प्राण पखेरू कहीं प्यासा उड़ जाए ना, कोई तेरी करुणा पे उंगली उठाए ना। भिक्षा मैं मांगू जन कल्याण की, भिक्षा मैं मांगू जन कल्याण की, इच्छा करो पूरी गंगा स्नान की। अब न देर करो आके कष्ट हरो, मेरी बात रख लो मेरी लाज रख लो, हे भोले गंगधर पधारो, हे भोले विषधर पधारो, डोरी टूट जाए ना।
झरझर झरझर बहता हुआ झरना आपका मन मोह लेता है। जग में नहीं कोई तेरे बिना, हे भोले। यहाँ का स्वर्गिक सौंदर्य बारहों महीने ऐसे ही रहता है। इसे डाकनी भीमाशंकर भी कहा जाता है। यहाँ जंगली वातावरण है, यहाँ ताल तलैया बाग हैं और जंगली पेड़ पौधों की भरमार है। यहीं वन औषधियों का भंडार पाया जाता है। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः। मुख्य मंदिर में जाने से पहले मार्ग में श्री कमलजा माता का देवस्थान है। इस देवस्थान के बारे में कहते हैं कि यहाँ दुर्धर नाम का राक्षस निवास करता था। उसने चारों ओर हाहाकार मचा रखा था। इस दुष्ट राक्षस के दमन का कार्य इंद्रदेव ने देवी कमलजा को सौंपा। देवी ने इंद्र की आज्ञा से राक्षस का वध किया। तब सभी देवी देवताओं ने देवी कमलजा का कमल के पुष्प से अभिनंदन किया। तभी से देवी को कमलजा कहके पुकारा जाने लगा। देवी माता सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। ये देवस्थान अत्यंत जागरूक माना जाता है। इस स्थान पर दर्शन पूजन कर मन उल्लसित होता है। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले। यहाँ प्रसाद पूजा साहित्य सामग्री की अनेक दुकानें हैं। वन औषधियां भी यहाँ प्राप्त होती हैं। यहां से ही नजर पड़ती है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग सिंह द्वार पर। इस स्थान से आगे भक्तों का श्रद्धा स्थान श्री भीमा शंकर का पावन भव्य मंदिर दिखता है। छत्रपति शिवाजी महाराज
श्री भीमा शंकर का दर्शन करने के लिए यहाँ आया करते थे। रघुनाथ दादा पेशवा आदि ने यहाँ विशाल मंदिर बनवाया। पुणे में चिमड़ा जी, अंताजी नाइक, भिड़े आदि ने इस मंदिर का ईसवी सन 1737 में सभा मंडप बनवाया था। शंकर का मंदिर पत्थरों से निर्माण कराया और वहीं दशावतार की मूर्तियां उत्कीर्ण करवाया। भगवान शंकर के मंदिर से लगा हुआ नंदी का स्वतंत्र मंदिर है। मंदिर के पास ही 5 मन वजन का बड़ा सा घंटा लगा है। इस पर 1729 का आंकड़ा उत्कीर्ण है। इस घंटे की आवाज से सारा क्षेत्र गूंजता है, वातावरण आकर्षक हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले भीमा शंकर के आसपास मोक्ष कुंड, सर्वतीर्थ, व्याघ्रपाद तीर्थ, ज्ञान कुंड, गुप्त भीमेश्वर, पाप नाशनी आख्या तीर्थ आदि सुंदर 108 दर्शनीय स्थल हैं। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले। मंदिर के निकट ही यहाँ पाप नाशनी कुंड है। इस कुंड का पानी भीमा नदी के उद्गम जल में मिलता है। इसमें स्नान करने से प्राणी
पाप मुक्त होता है, ऐसा भक्तों का विश्वास है। डमरू बाजे रे, गले में नाग जटा में गंगा साजे रे। श्री भीमाशंकर के गर्भगृह में श्री गणेश और श्री भैरोनाथ जी विराजमान हैं। गर्भगृह के बाहर निकट ही एक छोटा सा शनि मंदिर है। ये है दीपमाल। तू ही सबकी बिगड़ी बनाए, बिगड़ी बनाए, बिगड़ी बनाए। निकट ही दिखता है श्री क्षेत्र भीमाशंकर की पवित्र धूनी। हजारों वर्षों से ये धूनी यहीं चल रही है। इस धूनी की राख भस्म के लिए शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। यह है श्री साक्षी विनायक गणपति मंदिर। गुप्त लिंगों के दर्शन के लिए श्री साक्षी विनायक गणपति का दर्शन आवश्यक है। मतलब यह है कि श्री गणेश को साक्षी मानकर गुप्त लिंगों का दर्शन करते हैं, जिसके साक्षी गणपति होते हैं। उजला कर दे मन का दर्पण, मन का दर्पण, मन का दर्पण। जब जब अपने अंदर झांकू तब तब पाऊं तेरे दर्शन। जय नंदीश्वर, जय प्राणपाल, जय शंभू, हर हर सनातन। तेरे चरणों में आया तेरा पुजारी, मेरा उद्धार करो भोले भंडारी। डम 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 शिव का डमरू बाजे रे, गले में नाग जटा में गंगा साजे रे। यही गुप्त शिवलिंग निर्मित है। भावुक भक्त इनका विनम्र दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। इन्हें गुप्त भीमेश्वर कहते हैं। यहीं से भीमा नदी का जल सुजलाम सुफलाम करते हुए कृष्णा नदी में जाकर मिलता है। और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि श्री हनुमान मंदिर है। यहीं अंजनी माता का मंदिर है। हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए अंजनी माँ ने तपस्या की थी। जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। यही भव्य हनुमान मंदिर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। यही जगह शिव पार्वती का प्रणय स्थल है। ओम नमः शिवाय, हर हर
सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः। श्री भीमाशंकर जी के संदर्भ में प्रसिद्ध कथाओं में एक कथा ये भी है कि प्राचीन कालीन डाकनी वन में राक्षसों का राज्य था। राक्षसों का राजा कुंभकर्ण सामान्य लोगों पर अत्याचार कर रहा था। इसी अन्यायी राक्षस का वध सुदर्शन प्रियधर्म नाम के राजा ने किया था। इसी कारण कुंभकर्ण राक्षस का पुत्र भीम पितृशोक से बहुत दुखी था और क्रोधित होकर प्रतिशोध की भावना से सुदर्शन राजा को अपना वैरी समझकर उसे मारने के लिए ढूंढने लगा। उधर राजा सुदर्शन प्रियधर्म सह्याद्री के पर्वतों पर शिव पूजा में तल्लीन था। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। ध्यानस्थ राजा को मारने के लिए जब कुंभकर्ण पुत्र भीम आया तब भगवान शिव प्रकट होते हैं। जैसे ही राक्षस ने शिवलिंग पर प्रहार किया कि पिंडी में से भयंकर अग्नि प्रकट हुई और राक्षस भीम भस्म हो जाता है। ध्यानस्थ राजा की एकाग्रता टूटी। उसने ये देखकर भगवान शिव से विनती की कि प्रभु आप यहीं स्थापित हों जिससे भक्तजन आपकी सेवा पूजा अर्चना कर सकें। अतः भगवान शिव वहां पर भीमाशंकर के नाम से स्थापित हुए और तभी से भगवान शिव भीमाशंकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोले बाबा उपकार करो कृपा कर दो, हे शिव शंकर दुखड़े हर लो, हे शिव शंकर हम सब पापी। स्कंद पुराण के कथानुसार त्रिपुरासुर वध के बाद श्री शंकर के अंगों से पसीने की धारा बह निकली। उसी समय एक भीमक नाम का राजा जग कल्याण के लिए तप कर रहा था। उसने भगवान शिव से विनती की कि इस धारा को पूर्ण प्रदायनी नदी के रूप में अवस्थित कर दीजिए। भगवान शिव ने भीमाशंकरी के रूप में नदी प्रवाहित कर दिया। श्री भीमाशंकर स्वयं भू महादेव हैं। अपने दर्शन देकर मन के सपने साकार करो, है नील गगन में वन में उपवन में कण कण में तेरा तेरा हर ओ। प्राचीन काल में त्रिपुरासुर नामक राक्षस चारों ओर आतंक फैलाए हुए था। सारे देवता उससे हार गए थे। तब महादेव जी त्रिपुरासुर के विनाश के लिए प्रस्तुत हुए। उन्होंने महाभीम काय रूप धारण किया जिससे त्रिपुरासुर भयभीत हो गया। कई दिनों तक युद्ध चला। अंत में त्रिपुरासुर का वध हुआ और संकट दूर हुआ। कहते हैं जब महाकाय महारुद्र राक्षस से युद्ध करके थक गए तब विश्राम के लिए सह्याद्री के इसी जंगल में आ गए। भक्तों ने महारुद्र से प्रार्थना की कि वे यहीं स्थापित होकर उनका कल्याण करें। भगवान शिव तभी से यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। झोली आया हूं खाली झोली।
मुझको सुख का शिव शंकर बेड़ा पार करो हम भक्तों का उद्धार करो शिव शंकर बेड़ा पार करो हम भक्तों का उद्धार करो सब कष्ट कलेश मिटे मन के भोले बाबा उपकार करो कृपा कर दो शिव शंकर दुखड़े हर लो शिव शंकर हम सब पापी परदाता तेरे है नील गगन में वन में उपवन में कण कण में तेरा तेरा हर ओर है जग में पावन है सब किस वहां पर जब तक इस तन में तेरे चरणों में। यहाँ चांदी का पांच मुख है। पंच मुख में ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्र और पार्वती हैं। अमावस्या और सोमवार को त्रिकाल में पूजा अर्चना विशेष रूप से होती है। श्री भीमा शंकर महादेव का प्रतिदिन रुद्राभिषेक और पंचामृत अभिषेक होता है। यहाँ शिव शक्ति का संगम है। मनुष्य यहाँ दर्शन कर कृतार्थ होता है। नमः शिवाय। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की
इस शिवलिंग में यहाँ पंच तत्व एक साथ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्र और पार्वती हैं। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। शिवगवरा भीमा
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरि नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिउर लाए रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई
सहस्र बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी को विद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाय राज पद दिन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारो जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, झूठे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होये सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप सियावर। राम चंद्र की जय, रघुवीर राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।
आइए हनुमंत विराजिए, कथा पधारिए पवन कुमार सिया वर राम चंद्र रघु मनो वरिष्ठं
वाता मजम वानर Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Shri Ram, Jai.
Thank you.
भागवत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सदगुर ज्ञान विराग जोग के Thank you.
बाप भगवान भीमा शंकर की इस पावन भूमि पर राम कथा हेतु आए हुए आप सभी भाई बहन और पूरे संसार में सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहन, तदुपरांत अन्य सभी को व्यासपीठ से नई साल का मेरा प्रणाम। पूरे संसार को नई साल की बधाई देता हुआ मैं इस कथा का गायन शुरू करूं। व्यासपीठ का मनोरथ रहा है, आप सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष दीपावली के बाद नई साल जो शुरू होती है उसमें पहली कथा नई साल के प्रथम शनिवार से कोई न कोई तीर्थ में हम सब मिलकर गाते हैं और भगवान शिव के, पूरा संसार शिव का है लेकिन 12 जगह पर शिव की विशिष्ट महिमा है। इनमें एक ज्योतिर्लिंग भगवान भीमा शंकर, इस भूमि पर भी एक बार कथा का गान करना था। मैंने बहुत चंद शब्दों में, एक चंद दिनों में कहा कि भीमा शंकर की कथा कर ली जाए। कथा भीमा शंकर में निमित रमा शंकर और अनुग्रह कृपा शंकर और ये आयोजन हो गया। मैं कथा का दौर संभालूं इससे पहले मेरे सभी श्रोता भाई बहनों को कुछ खास सूचना देना चाहता हूँ। सबसे पहले एक तो ये भगवान शिव का स्थान बड़ा पवित्र स्थान है, जंगल विस्तार है, वैसे ही यहाँ भीड़ रहती है शिव के दरबार में तो कायम। वो कहीं भी चला जाए, पर्वतों में, जंगलों में, लोग कहाँ छोड़ते हैं मेरी तरह। तो वैसे ही भीड़ तो रहती, मैं तो पहली बार आया कथा के नाते। मैं सभी श्रोता भाई बहनों को खास कहना चाहूँगा कि यहाँ का वन्य वातावरण जरा भी बिगड़े ना, उसका बहुत ध्यान रखना। यहाँ के अधिकारियों ने, जिम्मेवार आदरणीय अधिकारियों ने बहुत सुंदर सहयोग देकर एक कथा में, प्रेम यज्ञ में अपनी आहुति डाली है। कहीं तहीं कचरा न डाले, इधर उधर घूमकर पर्यावरण में कोई प्रॉब्लम पैदा न करे, एक ऐसी छाप छोड़कर यहाँ से जाए
कि हुई थी कथा और वातावरण और पवित्र करके गई, क्योंकि जो हमारा हमारी वनश्री है उसका जतन, पानी की बोतलें, प्लास्टिक, ये इधर उधर मत फेंकना, अपनी झोली में डालना और जहाँ उसकी खास जगह हो वहाँ रहे। तीर्थों की महिमा अब संभाले, आप तो इतने शालीन श्रोता है ना, उसने की जरूरत नहीं, मेरे हृदय से कह रहा हूँ, आपकी आप जाने, लेकिन मैं तो दिल से कह रहा हूँ कि इतनी इतनी कथाएँ आपने सुनी हैं और सत्संग के लिए ही तो आप आते हैं मैं समझता हूँ, तो मर्यादा बनाए रखे, शालीनता बनाए रखे, क्योंकि हम यहाँ अनुष्ठान के लिए, और अनुष्ठान तीर्थों में न हो तो कहीं हो, कहाँ हो। ये वन कभी नैमिष में, कभी दंडक में, कभी कामद वन में सत्संग और ऐसे सत्र होते रहते थे, लेकिन इसके कारण वन्य प्राणी को, वनस्पति को, वातावरण को जरा भी वो न हो। हमारे नगरों में, हमारे घरों में जैसे हम रह रहते हैं ऐसे यहाँ नहीं रहना, बिल्कुल वातावरण को स्वच्छ बनाए रखे और एक अच्छी साफ, अच्छी एक वो यहाँ से मैसेज हम दें कि हमने तुलसी शाम जंगल में भी कथा की और लोगों को प्रेरणा मिले, इसलिए मैं स्वयं कभी कभी एक दो बार वो जो प्लास्टिक की कोथलियाँ आदि आदि पड़ी थी मैंने इकट्ठी की थी ताकि लोगों को इसकी प्रेरणा मिले। ये हम सबका दायित्व है कि हम परम तीर्थ में आए हैं तो उसकी पवित्रता और उसकी जरा भी पवित्रता में कहीं आँच ना आए, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। एक कथा होती है, आयोजकों को पता होता है कि कथा का आयोजन करना कितना दुर्गम होता है, बड़ा मुश्किल होता है, ये तो प्रभु की कृपा सब सुगम कर देती है साहब। और ये भीमाशंकर शब्द है ना, भीम का अर्थ होता है भयंकर, ये आदमी भयंकर भी है और शंकर भी है दोनों। करालम महाकाल कालम कृपालम, ये दोनों वस्तु लिए हुए बैठा है। भीम शब्द का एक अर्थ शब्द कोश में भयंकर होता है, भीम कर्मा वृको उदरा, भगवत गीता ने भीम। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं किन चौपाइयों को जोड़ूं, तो बोले भीम भी आ जाए, शंकर भी आ जाए, इसलिए दो पंक्ति मैंने पहले कहीं न कहीं कोई कथा में ये दोनों पंक्तियों का बिलक बिलक कथा में उपयोग हुआ है, फिर भी यहाँ मैं जोड़ रहा हूँ। कथा का विषय रहेगा मानस भीमा शंकर। तो खास मेरी तो प्रार्थना है, फिर आप कितना पाले न पाले आप जाने, लेकिन सब तरह से सहयोग मिला है इस कथा के लिए। और किसी ने यदि चिंता प्रकट की है तो वो भी ये पर्यावरण के कारण चिंता प्रकट की होगी, तो किसी को मन में चिंता न रहे और सब इस प्रेम यज्ञ में आकर हिस्सा ले, सबका स्वागत है। मेरी व्यासपीठ तो आप जानते हैं कुछ बिलक ढंग की व्यासपीठ, चिला चालू व्यासपीठ नहीं है, उसका मुझे बहुत आनंद है इस बात का कि हम इसलिए आप मेरे संग संग गाते हैं, यहाँ के भाई बहनों को भी अवसर देना ठीक से, यहाँ की जनता को इतना सहयोग दिया है सबने, गांव वालों ने, और यहाँ दूर से आकर यहाँ आयोजन करना, सरकार, विभाग, वन विभाग आदि आदि, पुलिस और सभी लोगों ने, और कभी कोई चिंता व्यक्त हुई भी है तो ये एक उसके कारण कि भाई वातावरण यहाँ का वो ना, और ये हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ का वातावरण जरा भी।
वन्य पशु भी चौपाइयाँ सुनकर हिंसा छोड़ने का प्रयास करें। प्राणी मात्र शंकर के धाम में प्रसन्न चित्त बने। तो बिल्कुल साफ हृदय से ये मेरा निवेदन है, किसी को भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, सबका मेरी व्यासपीठ के प्रति दिल से स्वागत है। और केवल हम सत्संग करने आए हैं और शिव को सुनाने आए हैं कि हे भीमा शंकर, कहाँ कहाँ, कभी पहाड़ पर बैठ जाता है, कभी कहीं कहीं चला जाता है आदमी, और हम खोज खोज करके उनके पास पहुँचते हैं कि कहाँ बैठा है आदमी। तो आए हैं तेरे दरबार में सबको सुमति देना, सबको प्रसन्नता देना, और इस कथा का वातावरण, हम 9 दिन, नई साल की पहली कथा है, शुकन से अथिका में चढ़ी गया पाछा, गई काल बम्बई में कह रहा था कि बस हॉलीडेज पूरा, अब काम में चले हैं हम, चले यही तो काम है सा। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सब, और इधर उधर कोई वृक्ष लता पता कोई तोड़ना बोड़ना भी नहीं, जरा भी अपनी ओर से कुछ नहीं होना चाहिए सा, बस ये ध्यान रखना। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है कथा में, हा? और रहने का भी प्रॉब्लम होगा, और अब तो मैं किसी के रहने की जिम्मेवारी मैं लेने वाला नहीं, जिसको जहाँ रहना हो रहो, आपकी जिम्मेवारी भोजन करो, रहो, कथा सुनो, बस बाकी मेरी कोई, आप सब, क्योंकि मैं व्यवस्था का आदमी नहीं हूँ, आप सब अपने अपने ढंग से बस रहो। तो बस और क्या, पूरा करें आज की कथा। मैं दर्शन गया ठाकुर भगवान का, विवास पूजनी पुजारी जी महाराज और व्यवस्थापक गण सब विप्र वृंद भी बहुत आदर के साथ हमको दर्शन करवाया। इनको भी मैं प्रणाम करूं, तीर्थों के देवताओं को प्रणाम करूं, इस छोटे गांव के सभी छोटे से छोटी व्यक्ति से लेकर मुखिया तक सबका मैं स्वागत कर रहा हूं। और हमारे अधिकारी साहब बैठे हैं, उनका परिवार बैठा, मुझे रोज़ 2-3 दिन से रमा भैया खबर देते रहते थे कि बापू सब सुंदर ढंग से चल रहा है, और अपना तो कोई और तो हेतु नहीं, स्वांतः सुखाए, और शंकर के स्थान में भगवत गुणगान न गाए तो कहाँ गाए यार, कहाँ गाए, ये भूमि तो इसीलिए, लेकिन जिम्मेवारी की, इसलिए मैं कथा के आरंभ में पहले सूचना दे रहा हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से हम, नगरों की कथा होती है बात और है, ये तीर्थ की कथा है, इसीलिए तो इतना ध्यान रखेंगे आप सब, मुझे पूरा यकीन है। आइए फिर इन 2 पंक्तियों का गायन करके पहले दिन की कथा में चंद चर्चा करके कथा को विराम देंगे, फिर से एक बार आप सब जानते हैं इन पावन पंक्तियों को और उसका गान करें। सदे Yeah.
निरंतर कथा सुनते हैं, पारायण करते हैं, मानस में आपकी रुचि है वो सब तो जानते हैं, लेकिन नए श्रोता हो उसके लिए मैं बता दूं कि सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के, ये पंक्ति रामायण के बारे में लिखी गई है, राम कथा के बारे में लिखी गई। राम कथा क्या है तो तुलसी कहते हैं वो ज्ञान विराग के सदगुरु है। और राम कथा संसार के भयंकर रोगों को नष्ट करने के लिए देव वैद्य है, विबुध वैद्य, देवताओं के वैद्यराज की तरह काम करती है राम कथा। तो ये पंक्ति राम कथा के लिए है। और दूसरी पंक्ति जो है वो नारद जी के प्रकरण में आप जानते हैं कि नारद ने भगवान को गालियां दी, फिर उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने ये क्या किया, नशा उतर गया, समझ आई तो हुआ कि मैंने क्या बकबक कर दी, तो फिर बहुत दुखी हुए और भगवान को कहने लगे मेरे श्राप, मैंने जो जो कहा सब झूठ हो झूठ हो। प्रभु ने कहा जो हुआ मेरी इच्छा से हुआ है, अब चिंता मत कर, लेकिन ये आपकी इच्छा से हुआ, लेकिन मुझे इतनी ग्लानि हो रही उसका क्या करूं। नारद ने कहा तो प्रभु ने कहा एक काम करो, मुझे बहुत प्रिय शंकर है और शंकर के 100 नाम का जप करो, आपके हृदय में पूर्ण विश्राम की प्राप्ति। अब वैसे तो ये भीम और शंकर जोड़ना था इसलिए दो पंक्ति मैंने उठाई, निर्णय नहीं था कि क्या करूं, लेकिन एक अर्थ में अब देखो साहेब तो शंकर स्वयं सदगुरु है। ये पंक्ति तो राम कथा के लिए है लेकिन शंकर स्वयं सदगुरु है, इसमें तो कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। तो ये सदगुरु है, ठीक है। और ज्ञान विराग जोग ये शंकर के समान किसके पास है, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव
सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु। तो शिव जी के प्रति भी इस पंक्ति उसको समर्पित करनी हो तो भी कर सकते हैं, और भगवान शंकर के समान कौन बड़ा वैद्य है साहब। और साहब सबसे बड़ा रोग हमारा अहंकार है, अहंकार अति दुखद डमरुआ। और भगवान शंकर समष्टि के अहंकार है, अहंकार शिव बुद्धि अज, सब जानते हैं इस तात्विक चर्चा। तो शंकर के समान हमारे अहंकार को मिटाने वाला विश्व में और कौन वैद्य है। तो रामायण परक भी अर्थ लो, शिव परक भी लो यदि लेना हो तो। दूसरी बात, जैसे रोग मिटे, लेकिन कभी कभी आदमी कहता है कि अजी नबड़ा ही है, ठीक से विश्राम आराम नहीं मिल रहा है, ठीक से आराम नहीं हुआ। तो कहते हैं ठीक हो गई, आराम हो गया, तबीयत ठीक हो गई, बोले जी 70%, 60% कहते हैं। तो राम कथा जो देव वैद्य का काम करती है, हमारे अहंकार के रोग को मिटा देती, कई प्रकार के मानसिक रोग हैं इनका नाश करती है राम कथा। लेकिन पूर्ण आराम यदि न मिले तो जप हो जाए शंकर सतनामा, शंकर के 100 नाम का जप करो। मैंने शुरुआत की कथाओं में कहा है, कई लोग करते भी है, मैं खुद करता रहता हूँ, कि रोज एक बार 24 घंटों में हमसे जीवापराध या शिवापराध जो हुआ, जीव के अपराध हो गए हो या शिव के अपराध हो गए, तो प्रत्येक साधक को चाहिए एक माला शंकर नाम की करे। ऐसा मेरा एक बहुत पहले का निवेदन रहा है, और मैं खुद भी इसमें आस्था रखता हूँ। तो उस समय लोग मुझे पूछते कि शंकर के 100 नाम कौन से, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, फला देवी के सहस्त्र नाम, कई सहस्त्र नाम है, बहुत नाम है सब। तो शिव जी के 100 नाम कौन से, उसकी भी मेरी स्मृति में आएगा, मैं आपको जिक्र करूंगा। लेकिन मैंने तो ऐसा निवेदन किया था कि यदि हमसे कोई किसी जीव का अपराध हो जाए, पति से पत्नी का हो जाए, पत्नी पति का अपराध करे, बाप बेटे का, बेटा बाप का, भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी, समाज, किसी का जीव का अपराध यदि हमसे हो जाए, भूल से हो जाए या जानबूझकर कर लिया जाए, और फिर ग्लानी हो कि अब इनसे कैसे छूटे, तो प्रत्येक साधक को चाहिए अंतःकरण की विश्राम अवस्था के लिए 100 बार शंकर नाम का जप करें। ऐसा मानस का अभिप्राय, स्वयं विष्णु भगवान ने यह निवेदन किया है कि नारद को कहा कि तू 100 बार शंकर जप। तो मैं ऐसा कहता रहा कि भाई शंकर शंकर शंकर, ऐसे शंकर के 100 नाम है, हाँ एक पूरा उसका संस्कृत में 100 नाम की एक पूरी यादी है। लेकिन अब ये संस्कृत याद रहे न रहे, फिर उनका अर्थ निकालो। नियम ऐसा है कि शब्द कहीं जितने पकड़ोगे उसके अर्थ लगाने पड़ेंगे, इसलिए जहां तक संभव हो शब्द के बदले वर्ण में लगे रहो। शंकर शब्द वर्णमय है, वर्ण की ध्वनि होती, वर्ण मानी अक्षर। आपको फिर वर्ण वर्ण लगेगा कि वर्ण वर्ण क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, नहीं नहीं, वर्ण मानी अक्षर, अक्षर में ध्वनि होती है, एक आवाज होती है, शब्द में अर्थ होता है। साहब आप कमल लो, कमल शब्द लो तो उसका अर्थ हो जाएगा कि भाई झील में खिलता है सुबह
गुलाबी रंग का होता है, असंग रहता है, शाम होते होते फिर मुरझा जाता है, एक कमल का पूरा हिसाब लगेगा, ठीक है। लेकिन क वर्ण को भी लग कर दो, म को भी लग कर दो, लको तो अर्थ नहीं पाओगे, ध्वनि पैदा हो जाएगी और अर्थ से ध्वनि की महिमा ज्यादा है। इसलिए हम ओमकार को शब्द नहीं कहते, वर्ण कहते हैं, प्रणव कहते हैं और उसकी एक ध्वनि होती है। शंख बजाया जाता है मंदिरों में तो कौन सी ध्वनि है, एक ध्वनि पैदा। तो ये पूरा शास्त्र है, उसका छोड़ो। शायद गोस्वामी जी इसलिए तो मानस का आरंभ करते हैं तो वर्ण शब्द से आरंभ करते हैं, शब्द शब्द से नहीं करते हैं साहब। शब्द अवश्य, शब्द ब्रह्म है, नो डाउट, लेकिन वर्ण की महिमा विशेष है, ये ध्यान देना। अक्षर की महिमा बहुत बड़ी है। फिर अक्षर मिलते 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 शब्द बन जाए तो फिर तुलसी कहते हैं वर्णा नाम अर्थ, फिर अर्थ में जाना पड़ता है, ठीक है। फिर रस में जाओ, फिर छंदबद्धता पकड़ो, लेकिन ये सब क्रियाकलाप सबका मंगल करने वाला होना चाहिए, उसमें अग्रसर है वर्ण। तो बात मेरा कहना मतलब यह है कि शंकर के 100 नाम है, उसके एक एक के विशिष्ट अर्थ है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम पर विनोबा जी ने बहुत काम किया, कितने सुंदर भाष्य किया विष्णु सहस्त्र नाम पर, साईं मकरंद दवे ने भी और कई महापुरुषों ने उस पर काम किया। अब ललिता सहस्त्र नाम, माता जी के 1000 नाम की बात है, उस पर भी आप यदि गुजराती में नवनीत समर्पण पढ़ते हो, भवंस का मैगजीन, तो उसमें हमारे राजेश मिस्किन उसके एक एक शब्द की अर्थविधा बताते हैं कि ललिता सहस्त्र नाम का बड़ा वो करते हैं। तो उसके अपने अर्थ हैं, अवश्य उसका ध्यान, लेकिन याद न रहे संस्कृत के श्लोक उनके अर्थ, तो केवल शंकर 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 शंकर। तुलसीदास तो स दंती स का प्रयोग करते हैं ग्राम्य गिरा, पर आप जब अरे श का उच्चार, जो मूल श उसका उच्चार करना शंकर। नाम भी हम भीमा शंकर ही रखें, शंकर रखेंगे, श ही रखेंगे, उसमें तो स है लेकिन कथा के साथ इस परम भूमि के साथ कथा जुड़ जाए, इसलिए। तो 100 बार शंकर का नाम जपने से जीव का अपराध किया हो या शिव का या परमात्मा का अपराध किया हो तो उससे जीव को विश्राम मिलता है, ऐसा मानसकार का मानना। मैं तो आपको प्रार्थना करूं कि आप इतने शालीन है कि आप अपराध करते ही ना हो, हो सकता है, लेकिन आखिर हम जीव हैं, न अपराध हुआ हो आपसे तो भी शंकर शब्द का उच्चार। ब्रह्मानंद जी भी कहते हैं शिव नाम जो उच्चारे तो सब पाप दोष टारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे तो भव सिंधु पार तारा, शिव जी तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। और विश्राम मिलेगा तो क्या होगा, फिर आप कहेंगे कि हम रोज 100 बार तो शत बार का, तुलसीदास जी को 100 बार पर बहुत निष्ठा है, इसलिए हनुमान चालीसा में शत बार, 100 की गिनती तुलसी जी बहुत मानस में और अन्य ग्रंथों में लाते हैं, पर शत बार में तुलसी श शब्द नहीं फिर यूज करते, फिर सत और मैं उसका अर्थ कर दो, सत बार एक ही बार करो लेकिन सत बार दिल के सत्य से जपो, पूरी ईमानदारी के साथ एक बार हो जाए बात खत्म। तो शत शत शब्द की आवृत्ति गोस्वामी जी क्या करते हैं, तो ऐसा प्रसन्नता के लिए विश्राम के लिए
એક રાઉન્ડ માળાનો લગાવી દેવા વાર કેટલું લાગે સાહેબ? શંકર શંકર અને જે પરથી ફાવી ગયો એને તો સ્પીડ કેટલી સરસ ચાલતી હોય યાર, ઉસકો તો કેટલી દેર લગી ગઈ. લેકિન એ કરને સે ધીરે ધીરે ધીરે, તબિયત એક સાથ ઠીક નહીં હો સકતી, થોડા સમય લગેગા. તો રામાયણ જૈસા વૈદ મિલ જાય ઓર શંકર નામ જૈસા ઔષધ મિલ જાય, જો વિશ્રામ પ્રદાન કરે તો જીવ કો 21મી સદી મેં ફિર કરના ક્યા શેષ હૈ, ક્યા કરના. ઇસલિયે શિવ નામ શંકર નામ કી બડી વાત. ઓર ધ્યાન રહે શિવ શંભુ હર મહાદેવ મહેશ, ઇતને શંકર કે, લેકિન મૂળ નામ ઉનકા શંકર હૈ. બાપાએ જો એને કોઈ બાપા તો છે નહીં, એને સબકા બાપ હૈ, લેકિન ઇસકા મૂળ નામ તો શંકર હૈ. જપહું જાય શંકર સતન નામા, મૂળ નામ એ, બાકી તો સબ વિશેષણ હૈ. શિવ માની કલ્યાણકારી, હર માની હમારી પીડા હરને વાલા, મહાદેવ માની સબ દેવો મેં શિરોમણી, મહેશ માની જીતને દુનિયા મેં મહાન લોગ હોગા ઉનકા ઈશ ઉનકા મુકુટમણી, મહેશ મહાદેવ સબ દેવતો કા મુખિયા સબસે બડા દેવ. લેકિન શંકર શબ્દ જો હૈ એ ભૂલ હૈ. અમારે સંસ્કૃત વિદ્વાન લોક તો કહેતે શંકરોતિ ઇતિ શંકર, જિસકે પાસ જિસકે નામ ઉચ્ચારણ સે જિસકી કૃપા દ્રષ્ટિ પાને સે વિશ્વ મેં કભી કિસી કા બુરા હોતા હી નહીં, એસા જો એક તત્વ હૈ, કલ્યાણકારી જો તત્વ હૈ, શુભ કરને વાલા એક તત્વ હૈ, વો શંકર. કૃષ્ણ ભક્તિ ખૂબ કરો, રામ ભક્તિ ખૂબ કરો, લેકિન શંકર કોઈ અન્ન ક્ષેત્ર મેં ખાના ખાના ખાને જાય તો રોટી તો મિલતી હૈ હરિ નામ સે, કે ભાઈ કઈ અન્ન ક્ષેત્ર મેં હોતા હૈ કે 10 મિનિટ રામધૂન લો ફિર ખાના દેતે, એસા હોતા હૈ. કઈ લગે તો આધા આધા ઘંટા હૈ શ્રી રામ જય રામ જય રામ કરાય ફિર ફિર ખાના દેતે, એસા એસા. તો એ ઠીક હૈ, અચ્છી બાત હૈ, ઇસમેં કોઈ બુરી બાત નહીં. લેકિન હરિ ઓર નામો સે રોટી મિલતી હૈ, શંકર શબ્દ લેને સે રોટી પર ઘી લગ જાતા હૈ, પવિત્રતા ઘી ઘી અદભુત વસ્તુ છે ઘી, અદભુત વસ્તુ. ઇસીલીએ કે દેખો ઘાસ મેં સે દૂધ બને, ઠીક હૈ, ગાય ઘાસ ખાય તો દૂધ બને, ઠીક હૈ, દૂધ મેં સે ભી ક્યાં બને, દહી બને, ઠીક હૈ, કિસી સે કુછ ના કુછ બનતા જાતા હૈ. ઘાસ સે દૂધ બના, બિલકુલ સહી બાત, દૂધ સે ફિર ઘી બના, ઠીક હૈ, અરે દહી બના, દહી સે ફિર છાસ બની, માખન બના, મક્ખન બના, મક્ખન સે ફિર ઘી બના, ઘી સે ક્યાં બના, ઘી કે બાદ ક્યાં, દીપ દીપ જલા ચલો, અથવા તો લડ્ડુ મેં ઘી ડાલા લડ્ડુ બના, એ સબ કે બાકી ઘી કે બાદ કુછ નહીં. ઇસલિયે ઘી કો હમારી દેહાતી પરંપરાને નારાયણ સ્વરૂપ માના હૈ, ઘી માની નારાયણ, બસ ફિર ઉસમે સે કુછ બસ વો આ ગયા પૂરા હો ગયા ઘી હો ગયા. શંકર નામ એસા ઘી એસા. સંપ્રદાયો કી બાતો મેં લોગ સબકા અપના અપના આગ્રહ હોતા હૈ, જો હો હો ઠીક હૈ. મેં તો આજ સુબહ ભી નગીનદાસ બાપા કો ભી કહે રહા થા કે બાપા મેરી સમજ મેં નહીં આતા કે જાગૃત પુરુષ વાદ વિવાદ ક્યું કરતે હૈ, વાય, ઓર યદિ વાદ વિવાદ કરતે હૈ તો વો જાગૃત કૈસે, બુદ્ધ પુરુષ કૈસે, યદિ વાદ વિવાદ ક્યા વાદ, કિસકો જીતના હૈ કિસકો હરાના હૈ, સબ અપને હિ તો હૈ, ઓર ઇસી મેં ઈશ્વર ચુકા જાતા હૈ સા. વસ્તુ ખોવાઈ જાય એનો વાંધો, પણ વરહો ખોવાઈ જાય એનું શું કરશો તમે,
वर्षों खोआई गया साहेब, 50-50, 63-63 वर्षों का डीना क्या, कोई 75 वर्ष, ये साले खोई जा रही, उसका तो सोचो, वस्तु तो मिलेगी, कल फिर मिलेगी, आयु आयुष्य जा रहा। तो फिर बापा कहता था कि तुम्हारो व्यक्तिगत है बापू, पर चाले नहीं अत्यारे आ जगत में, क्योंकि सबको खबर है कि मेरा सच नहीं है, फिर भी मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, वो दिखाने के लिए विवाद करेगा ही करेगा। अध्यात्म में विवाद को जगह नहीं है, नहीं साहब। मेरे पास कुछ लोग आए, हमारे महुआ की बात है कि कुछ आंदोलन की बातें चल रही थी, चलता रहता है। मैंने कहा मेरा तो एक क्षेत्र नहीं है भाई साहब, न सियासत मेरा क्षेत्र, न और कोई मेरा क्षेत्र है, मेरा तो एक प्रेम क्षेत्र है साहब, मोहब्बत मेरा क्षेत्र है। लेकिन मैंने बहुत सरलता से कहा कि ये आंदोलन शब्द ही मुझे रास नहीं आ रहा है, किसके सामने आंदोलन करना है तुम्हें, कौन पर आया है, यहाँ किसको पत्थर मारे, कैसर कौन पर आया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, सब यहाँ किसका। तो अध्यात्म मार्ग में वाद विवाद क्या, छोड़ो, लेकिन ये तो दुनिया में चलता रहता है। तो मेरे कहने का मतलब, शंकर नाम लेने से विश्राम मिलता है, और विश्राम मिले तब समझना पाप की निवृत्ति ऑलरेडी हो गई, तभी विश्राम मिलता है। जब तक जैसे आदमी बहुत गहरी नींद आ जाए तो इसका मतलब है कि उसको विश्राम मिल रहा है, सीधी सी बात है, विश्राम पाया। तो शंकर नाम 100 बार जपने की विधा मानस ने बताई, ये तुम्हें मानस में है इसलिए विचार, आपको कोई दबाव नहीं है, आप जिससे मुक्त होना चाहे वो साधन करें, मेरी कोई आग्रह नहीं। लेकिन विश्राम पाने के लिए मैं तो, मेरा तो ये जब से मैं मानस गा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तब से तो तुलसी 100 बार कहते हैं, लेकिन 108 बार शिव नाम का जप करो, बोले तुम्हारे इष्ट देव कोई भी हो, लेकिन शंकर 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 बहुत नजीक पड़े इस शिव, शिव जितना निकट पड़ता है साहब इतना, अब देखो वहाँ तक जाकर आप पूजा कर सकते हो, उसको छू सकते हो। शंकर मैं गया, भीमा शंकर को मैंने देखा, वहाँ साहेब तू भी गजब है, कहाँ बैठा यार। शंकर से हमारी बहुत बनती है, बहुत मैंने कई बार कहा कि हम तो रामायण गाते हैं, लेकिन शिव तत्व ऐसा शिव तत्व। और जो इस सिद्धांतों के बारे में शास्त्रार्थ करते करते शिव शब्द और शंकर शब्द से जो नकारात्मक दृष्टि रखते हैं, वो अध्यात्म में कभी सफल नहीं हो सकते साहब। शंकराचार्य तो कहते आत्मा तम गिरिजामति सहचरा, ऐसा शिव तत्व है, बड़े कृपालु देव है शंकर। इसलिए हो सके तो ये दो पंक्तियों का मैं आश्रय ले रहा हूं मानस भीमा शंकर के लिए, और पहली पंक्ति राम कथा के बारे में, दूसरी पंक्ति शंकर नाम के बारे में, और संगति करने के लिए मैंने ये निर्णय किया है। भाव से फिर मैं, बापू ने कहा इसलिए जपना ऐसा नहीं, भाव से हो तो हो बस, बाकी क्रियाकर्म में फिर पड़ मत जाना। तू तो इबादत के फिराकों में पड़ा था, शेर सुनिए, शायर कहता है कि तू तो तेरे कमरे में पूजा पाठ इबादत उसी में पड़ा था, तू तो इबादत के फिराकों में पड़ा था, मैंने तेरे घर से खुदा को लौटते देखा।
मैंने देखा तू पूजा पाठ कर रहा था, पर मैंने देखा कि ईश्वर तो वहां से निकल रहा है, कंटाड़ी गयो ईश्वर कि न मुस्कुराता है, न गाता है, न आनंद में रहता है, न प्रसन्न रहता है, और बस केवल कर्मकांड, ये करो ये करो ये करो। इसलिए इस कर्मकांड के रूप में मैं आपको नहीं कहता हूँ, मौत आए तो शंकर नाम उच्चा, मेरे लिए तो बहुत सहज हो गया, सालों का अभ्यास हो गया साहब, आनंद आएगा। लेकिन तबीयत सुधरता थोड़ी वार तो लागसे साहब, तुरंत दवा ली और काम हो जाए ऐसा नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर तो लगे। शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दोष तारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे भव सिंधु पार तारा, शिव जी तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। तो रामचरितमानस का बालकांड साहब राम नाम की भी महिमा गाता है और शंकर नाम की भी महिमा। राम नाम का तो पूरा नव दोहों में विस्तार, और जिसका नाम राम है वो स्वयं राम प्रभु नारायण शंकर नाम की महिमा गा करके शिव नाम की महिमा गाते हैं। तो ऐसी राम कथा का आज से भगवान के इस दरबार में हम प्रारंभ कर रहे हैं। बस अब जिम्मेवारी भीमा शंकर तुम्हारी, हम तो आए हैं तेरे द्वार, अब तू जाने, क्योंकि हम तो तुझसे प्यार करते हैं इसीलिए आए हैं, वो संभाल है सब। और उसने इतनी इतनी कथाओं को संभाली है तो वो अपने ड्यूटी से च्युत कैसे हो सकता है साहब। अहिया तो एक बिली पत्र नहीं, तो तुमने रमा भैया के बिली चढ़तू नहीं, એટલે બીલી તારા ઉપર ચડે તો અમે નમન લઈએ ને, નમન પણ નથી જોતું, તરુ તું સંભાળ, કુછ નહીં ચાહીએ તેરે દરબાર મે, તુમે ભી પતા લગે કે કોઈ દેને વાલા આયા થા, એસે હમ તો આયે જો હમારે પાસ હૈ આંસુ હૈ તો આંસુ દેંગે, મુસ્કુરાહટ હૈ તો મુસ્કુરાહટ દેંગે, તુમે નવ દિન મે ખુશ કરકે જાયેંગે સાહેબ, યાદ રખના। तो फिर एक बार इन दो पंक्तियों का गान कर लें साथ में, अब सबको याद आ गए। सदे विश्वामा हो,
रामचरितमानस भीमा शंकर की कुछ तात्विक चर्चा रहे 8 दिनों में हम करते रहेंगे, साथ साथ भगवान की परम लीला परम चरित्र का भी दर्शन करते जाएंगे। रामचरितमानस सदग्रंथ से आप परिचित हैं और 7 सोपान में वो सदग्रंथ हमारे सामने है, हमारे सबके पास है। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड 7, आज की बोली में कहो तो 7 प्रकरण समझ लो, लेकिन ये सोपान, कांड, सब ग्रंथों के बिलक बिलक शब्द होते हैं। बालकांड व्यक्ति को, मेरी समझ ऐसी जरूर कि कोई व्यक्ति यदि पूरा मानस का पाठ न करे, पूरा करना चाहिए यदि करो तो क्रम में, लेकिन जितना करो मुबारक, लेकिन कोई आदमी ऐसा सोचे कि भाई पूरा मानस का पाठ हमें नहीं किया, हम बालकांड ही पाठ करें, तो बालकांड का पाठ कोई करे तो मेरे अनुभव में निर्दोषता बढ़ती है। मैं कोई भाष्य नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा अनुभव कह रहा हूँ। बालकांड का निरंतर पाठ करने से व्यक्ति की निर्दोषता में वृद्धि होती है, अवश्य क्रम में करो, लेकिन मान लो कोई बालकांड का विशेष पारायण करे तो साधक ज्यादा निर्दोष होता है, उसके दोष निकलने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, ऐसा होता है। अयोध्या कांड की महिमा और विशिष्ट है। कोई मानो कि कोई आदमी अयोध्या कांड का ही पाठ, जैसे लोग पूरी रामायण का पाठ नहीं करते तो कई लोग सुंदर कांड का पाठ करते हैं, पूरी भगवत गीता का पारायण नहीं करते तो 12वां अध्याय 15वां अध्याय का पारायण करते हैं, तो जिसका जो अनुभव हुआ हो। अयोध्या कांड का कोई पारायण निष्ठ बन जाए तो ये आदमी सहनशील बहुत हो सकता है, सहनशीलता की तपस्या उसमें बहुत आ जाती है। अयोध्या कांड का प्रताप है, आदमी बहुत सहनशील हो जाएगा। सहनशीलता एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारी बहुत बड़ी मुश्किलियों का एक कारण है हम सहन नहीं कर पाते, कुछ भी हुआ सहा नहीं जाता, और आखिर जीव है, स्वाभाविक है, लेकिन अयोध्या कांड आदमी को बहुत सहन शक्ति प्रदान करता है। एक विशिष्ट जो अनुभव महापुरुषों को होते होंगे उनकी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। कोई मान लो अरण्य कांड की उपासना, मैं ऐसे 2-3 संतों को जानता हूं, अब नहीं रहे, वो ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने अरण्य कांड का ही पारायण किया केवल अरण्य कांड सा वो पढ़ते थे। एक बार जब चर्चा हुई तो कहे कि अरण्य कांड के बिना वैराग नहीं आता, वैराग की पुष्टि अरण्य कांड से होती, और हमें वैराग चाहिए, विराग चाहिए। अरण्य कांड से आदमी का वैराग्य दृढ़ होता है। वैराग तो सब में होता है, थोड़ा बहुत कभी कभी आता है, चला जाता है, लेकिन दृढ़ नहीं होता। विराग तो कोई ना कोई प्रसंग पर आता है आदमी को, घर में चिंता हो, समाज में चिंता हो, तो कई लोगों को नहीं, कोई तकरार होती तो नहीं होता कि बस इससे तो अच्छा है निकल जाए, लेकिन दृढ़ नहीं होता। भक्ति तो कई लोगों में आ जाती है, लेकिन तुलसी कहते हैं ना, दृढ़ भक्ति की महिमा है। भरोसा तो कई लोगों को आता है, लेकिन डामाडोल रहता है, इसलिए सूरदास जी कहते हैं भरोसो दृढ़ इन चरण, नहीं दृढ़ता शब्द बड़े महत्व का है।
वैराग्य जिसको दृढ़ करना। वैराग कमजोर जिसका रहता हो उसको अरण्य कांड का आश्रय करना चाहिए, थोड़ा बल जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। किष्किंधा कांड भौतिक जगत से लेकर आध्यात्मिक जगत तक, पतंजलि ने जो मैत्री शब्द का प्रयोग किया है उस मैत्री को दृढ़ कर देता है। कोई युवान को अपने मित्र के साथ बार बार तकलीफ होती है, मैं कोई लालच नहीं दे रहा हूं, प्रयोग तो करो ना, ना अनुकूल हो तो छोड़ देना, इसमें क्या कोई बात है, ये कोई प्रलोभन नहीं है हमारे पास कि ऐसा हो ही जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन प्रयोग करो। मैत्री बहुत प्यारा शब्द है, भगवद गीता ने भी मैत्र करुण एव च कह करके मैत्री, पतंजलि तो खास योग सूत्र में मैत्री शब्द की प्रतिष्ठा करते, मैत्री गीत मैत्री पुनीति गाय मैत्री। पुरुष पुरुष में, बहन बहन में, पति पत्नी में मैत्री हो, भाई भाई में, पड़ोसी, एक मैत्री एक 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 बहुत बड़ा महिमावंत शब्द है मैत्री। किष्किंधा कांड से उसमें तरक्की होती है, तरक्की हो सकती। फिर सुंदरकांड, सुंदरकांड में साहब हरि नाम का अनुभव बहुत होता है सुंदरकांड से। वैसे हरि नाम का अनुभव नहीं होता ऐसा नहीं, हरि नाम अपने आप में महिमा, लेकिन सुंदरकांड में जितना प्रभु के नाम का अनुभव साधकों को होता है अन्यत्र मात्रा में कम है। केवल नाम के प्रताप से हनुमंत समंदर नांगले, केवल नाम का आश्रय लेकर जानकी जी विदेश की भूमि पर असुरों की बंधन में अपने प्राण को बचा सकी। नाम पाहरो, नाम, नाम की बहुत बड़ी सुंदरकांड ने दिखाई है, इसको नाम में निष्ठा हो बस। और नाम में जिसको निष्ठा हो वो कोई आपको कुछ भी कहे उसकी चिंता में मत जाना। मैं बार बार कहता हूँ, कई लोग आपको कहेंगे कि राम नाम की चदरिया ली है, माला ली है और तोता रटन करते हो। साहब इतना तो सोचो कि तोता पोपट, तोता बोलता है राम राम बोलता है, वैसे लोग राम राम बोले तो लोग आलोचना, लेकिन इतना तो सोचो साहब कि तोता राम राम बोलता है तो ऋतु ऋतु के फल उनको लोग खिलाते, उसको पता नहीं कि राम तत्व क्या है, पानी पिलाते, घर में सदस्य की तरह पालते। और आपको पता होगा तोते की उम्र बहुत होती है, बहुत उम्र लायक पोपट हो, 60-70 वर्ष ना हो, राम नाम जपे ने एनी उम्र बदती जाए साहेब। आयुष पर शुक, शुक की उम्र कितनी होगी, नीत यौवन दिखता है लेकिन कितना बड़ा बहुकालीन होगा शुक। तो तोता राम राम बोलता है उसी तरह लोग राम राम जपते हैं, ऐसा एक आलोचना होती है लोगों, तो करें आलोचना, करें इसमें क्या। अभी कुछ दिन पहले एक भाई मेरे पास चर्चा करने आए, मैं शाम को बैठा था तो दो तीन इतने कठिन सवाल लाए, तो उसने कहा बापू आप माला रखते हैं तो ये जपते हैं। मैंने कहा ये मेरा अंगत मामला है, उसमें क्यों आप अंदर आते हैं, मारी जोड़ी माला छे तू नहीं आवी सके। लेकिन तो नहीं नहीं बापू ऐसा ऐसा मत सु, लेकिन आप योगा नहीं करते योगा। मैं कहता मैंने तेरे योगा की कभी टीका की निंदा की मैंने, मैंने योगा को डिम डिम घोष के साथ उसका वो किया है, तू मेरी माला और नाम का सुखा करने तू योगा।
मैंने कहाँ मना किया। योगा एक महिमावंत एक पद्धति है और हमारे कई आज महापुरुष लोग उसकी महिमा बढ़ाते जा रहे हैं इसमें। और अब तो मैं टीवी में हमारा एक दिवस घड़ियाल मिलवा जो तो बेहतरीन बीजा लोग कोई पेट फेरवता था कहीं कहीं कोई कोई दूसरे योगी कोई तीसरे योगी। मैंने कहा हमें बहुत अच्छी बात ते अच्छी बात है साहब, ये हंसने की बात नहीं, एक हमारा विज्ञान है ये साहब। नहीं तमें पेट हलावो हूँ माड़ा हलावू मैं तुमने तकलीफ शू छे, तकलीफ क्या बात है। तोता रटन देखो इस लोग तोते को कितना प्यार करते, बच्चे की तरफ प्यार करते। कई लोग तो इतना तोते से प्यार करे कहीं प्रदेश जाएंगे तो तोता साथ में है? तोते को पता नहीं कि राम तत्व क्या है, बिना जाने किसी का पढ़ाया हुआ बोल देता है तो भी आनंद आनंद करता है। तो थोड़ी समझ के साथ थोड़े प्यार के साथ कोई हरि नाम लेगा तो जीवन सुंदर तम हो जाएगा साहब। सुंदरकांड नाम निष्ठा को बढ़ाता है, नाम की महिमा बढ़ाएगा सुंदर। फिर लंकाकांड का स्वतंत्र पाठ कोई करे। अब लंकाकांड तो युद्ध का कांड है साहब, ठीक है, उसमें तो संघर्ष संघर्ष चारों ओर संघर्ष संघर्ष है, बहुत पूरी लड़ाई है। लेकिन इन समस्त संघर्षों के बीच कुछ बुद्धत्व प्राप्त करना है तो वो लंकाकांड का आश्रय करे। युद्ध में बुद्धत्व प्राप्त होगा। आप कहेंगे कि कैसे, हाँ जरूर होगा लंकाकांड का आश्रय। लंकाकांड के कुछ पात्र आप देखिए साहब, जो असुर पात्र कई कांड में आपको मिलेंगे लेकिन असुर पात्रों को आप रामायण में देखिए तो उनमें उनमें बहुत किरणें फूटी है बहुत। मारीच तो लंका का आदमी ना मूलतः, तो अब मारीच की एक पंक्ति आप जानते हैं, मारीच को भगवान राम ने तीर मारा बिना फने का विश्वामित्र जी के यज्ञ में पूरा करने के लिए, जब वो बाधा डालने आए तो आप बिना फने का बाण मारा प्रभु ने, तो दूर फेंक दिया सतजोजन, तुलसी को सत शब्द प्रिय है, फेंक दी। उसके बाद मारीच भी कोई सामान्य आदमी तो नहीं है, उनका पूरा ग्रुप है, उनके नौकर चाकर है, उनके सब लोग हैं उनके साथ, कोई अकेला अकेला नहीं है साहब। लंकाधीश को भी जिसके पास जाना पड़े योजना के लिए वो कोई सामान्य आदमी तो नहीं रहा। लेकिन उसने राम के तीर को खाने के बाद एक उद्घोषणा कर दी थी कि मेरे पास जो आए, क्योंकि रिपोर्ट तो आते रहते हो भेजने पड़ते हैं आते सब, क्योंकि एक महत्व का आदमी था, तो कहे लंका से कोई भी रिपोर्ट लेकर मेरे पास कोई आए तो रावण का रिपोर्ट है, रावण का संदेश है, ऐसा खबरदार बोले। दशानन का रिपोर्ट है, दशानन की खबर है, दशकंदर की खबर है, दशग्रीव की खबर है, लेकिन रावण मत बोलना। सबने पूछा कि मालिक क्यों, बोले रा अस नाम सुनत दशकंदर, चाहे राम नाम का रा हो या रावण का रा हो, ये रा सुनते ही मुझे, हमारे एक साधु युवान हमारे घनश्याम उसने मुझे दो तीन दिन पहले ये अपने अपने ढंग से अर्थ निकाल रहा था। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, ये बुद्धत्व की किरण है। परम संघर्ष में भी इसको बुद्धत्व पाना, और बुद्धत्व की कसौटी संघर्ष में भी तो संघर्ष में ही हो सकती है। कोई कहे कि मैं केदारनाथ, वहां भी भीड़ है, कहीं भीड़ कम नहीं हो रही है, लेकिन कोई कहीं भी चला जाए और फिर कहे कि मैं हिमालय की चोटी पर बैठा हूँ और मुझे कभी गुस्सा ना आए तो
ના એ ને કિસ પર કરે ગુસ્સા, બાકી હું એ વાત માનવા તૈયાર નથી. ખીજા હોય નહીં તો ન્યાય બેઠા બેઠા ખીજે, બરફ પર ગુસ્સા કરે, ટાઢ ઉપર ગુસ્સો કરે, ઠંડી પર ગુસ્સા કરે, કે એ ગુસ્સા તો સ્વભાવ હૈ, વો કૈસે બદલે. સમસ્ત સંઘર્ષ હોય એક પ્રબુદ્ધતા આ જાતી હૈ. લંકા કાંડ કા તાત્વિક દર્શન કરને સે ઓર ઉત્તર કાંડ સે વ્યક્તિ કી ઉદારતા બઢતી હૈ, ઔદાર્ય બઢ જાતા, વ્યક્તિ બહુત વિશાલ મના હો જાતા હૈ ઉત્તર કાંડ કે કારણ. એ ઉનકા બહુત બડા ફલ મેરી દ્રષ્ટિ મેં મુજે લગતા. એસે સાત કાંડો મેં એ કથા ક્રમબદ્ધ ગોસ્વામીજી ને રખી હૈ. બિલક બિલક અર્થો મેં સંતો ને ઉસકી ઉદ્ઘોષણા કી હૈ. તો સાત કાંડો મેં કથા લીલા ચરિત્ર ભરા પડા હૈ. इसका भी हम थोड़ा बहुत जितना दर्शन कर पाएँ कोशिश करेंगे कि दर्शन करें. लेकिन मूलतः भीमा शंकर शंकर तत्व का हम निरूपण करने की कोशिश करेंगे. वैसे शिव तत्व पर कई बार मानस की व्यासपीठ से गाया गया, कभी मानस महादेव, कभी मानस शिव तत्व, कभी कई बार ऐसी चर्चा. लेकिन हम और आप साथ में मिल करके भीमा शंकर के इस पावन प्रांगण में उसकी भी चर्चा करेंगे. तो और कुछ न कहते हुए आज की कथा को मैं विराम दूं, इससे पूर्व फिर एक बार याद ही दिला दूं कि बहुत यहाँ की सभी योजना में सहयोग करना और जरा भी यहाँ का वातावरण दूषित न हो, जरा भी पर्यावरण को कोई तकलीफ न हो, पशु पक्षी को, पेड़ पौधे को भी, इसका ध्यान रखिएगा. और मुझे विश्वास है कि आप जरूर सब ध्यान रखेंगे. तो आइए मानस के बालकांड का एक मंगलाचरण का मंत्र बोल करके फिर हम गुरु वंदना कर रहे हैं. वर्णानाम अर्थ संगाना रसानाम छंदसामंगलानां चकरतारौ वंदे वाणी विनाय बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर महामोह तम जासु वचन रवि कर बंदौ गुरु पद पदम परा सुरुचि सुवास સુકૃત સંભૂત વિમલ વિભૂતિ મંજુર મંગલ મોદ પ્રસૂતિ જનમ મંજુર મલ શ્રી ગુરુ પદક મણિગણજો સુમિરત દિવ્ય દ્રષ્ટિ દલન મોહ તમ સ
बड़े भाग महावीर बिनवा हनुमान राम जासु जस गुरु वंदना गोस्वामी जी ने सबसे पहले की है, आप सब इससे परिचित हैं, पाठ भी करते रहते हैं। और फिर बहुत सी वंदना करते हुए गोस्वामी जी हनुमान जी की वंदना करते हैं। पहले दिन करीब करीब हम हनुमंत वंदना तक कथा को लिए चलते हैं संक्षिप्त। अब कई बार मैं चर्चा करता रहा कि गुरु की इतनी बड़ी महिमा है, लेकिन गुरु का परिचय क्या, गुरु को कैसे समझे। मेरी समझ में जो है सो मैंने कुछ वर्गीकरण किया है, मेरी जिम्मेवारी के साथ मेरा कुछ दृढ़ करने के लिए। संसार में जीवों का कुछ वर्गीकरण मेरी व्यासपीठ करती है, इनमें गुरु कौन हो सकता है वो आखिर में मैं कहना चाहूंगा। एक, कई लोग संसार में देह जीवी होते हैं, केवल शरीर के लिए जीते हैं। शिक्षक हो सकता है वो अवश्य, केवल देह के लिए, इसमें आलोचना नहीं है, ये शिक्षक हो सकता है, उसको केवल देह की ही चिंता है, उस सदगुरु तक नहीं पहुंच पाता। कई लोगों ने ऐसा वर्गीकरण किया है, मैं मेरे ढंग से कहना चाहूं, देह हम जैसे लोगों में बहुधा हम देह जीवी होते हैं, अपने को खाना मिल जाए बाकी की जो हो, अपने को जगह मिल जाए बाकी की जो हो, अपने को ठीक से रहना मिल जाए बाकी का, ये सब देह जीवीपना है, सीधी सी बात। और देहवादी लोग ऐसे होते हैं कि अपने को लाभ होना चाहिए, अपने बेटे की भी चिंता नहीं करेगा आदमी, इतने देहवादी लोग मैंने देखे, बस अपने देह की घृतम पिबेत, बस अपना देहवाद उसका बड़ा पक्का,
ठीक है चलो। कुछ लोग होते हैं, जैसे देह जीवी शब्द कह रहा हूं, कुछ लोग होते मन जीवी, मन की ईर्ष्या और द्वेष पूर्ण करने के लिए अपने देह की भी परवाह नहीं करेंगे, ऐसे लोग होते। किसी का बुरा करने के लिए मन में किसी का बुरा ठान लिया तो अपने देह की जो होनी हो, देह गौण बन जाएगा, लेकिन मन में जो द्वेष ईर्ष्या कपट ये सब आता है तो देह उनका गौण बन जाता है। ऐसे लोग भी कई संसार में होते, जैसे बर्फ गिरता है खेती पर तो खुद खत्म हो जाएगा लेकिन फसल को खत्म कर देगा। कई लोग देहजीवी से इतने द्वेषी होते हैं मन के, ये आलोचना के रूप में मैं नहीं कहूं, हम सब जीव हैं, इसलिए जीव की प्रकृति का हम और आप साथ में मिलकर परिचय पाए। मन जीवी होते मन में, अपने मन की छोड़ेंगे नहीं, देह का जो होना हो। हमारे नईम साहब ने गोपी गीत के समय आए थे तो उसने किसी शायर का शेर सुनाया, शेर तो मैं भूल गया, शब्द तो याद नहीं, लेकिन उसने सुनाया कि ये आदमी मेरा हरीफ था, मेरे साथ डूब गया। हरीफ तो दूसरे को डुबोएगा, तो खुद क्यों डूबे, लेकिन ये मेरा ऐसा हरीफ था कि मेरे साथ डूब गया, इसीलिए कि मैं सही में डूबा हूं कि नहीं वो देखने के लिए डूब गया, उस सबूत को प्राप्त करने। ये लोग मन जीवी है जो देह की परवाह नहीं करते, लेकिन मन का द्वेष, बस मन की जलन, ये भी एक वर्ग होता है। उसके बाद एक जीव की श्रेणी मेरी व्यासपीठ कहना चाहती, बुद्धिजीवी। कुछ लोग बुद्धिजीवी व्यक्ति वो है जो विवेक से शुभ अशुभ का निर्णय करता है, कूद नहीं पड़ेगा, मन की नहीं मानेगा, देह की भी वो चिंता नहीं, लेकिन एक ऐसी स्थिति में हो जाता है कि विवेक से क्या ठीक है क्या अठीक है उसका परिचय प्राप्त करेगा। उसको मैं बुद्धिजीवी वही माना जाना चाहिए कि जो इस विवेक में जिए, विवेक ना हो तो बुद्धिजीवी क्या यार, कुछ नहीं। बुद्धिजीवी विवेक महत्व, एक आदमी को एक भाई ने अपने कारखाने में नौकरी पर रखा तो डेली लेट आए, एक घंटा लेट पहुंचे, जब जाए एक घंटा लेट पहुंचे। कारखाना के मालिक ने कहा कि भाई तुम्हें हमने नौकरी में रखा है, समय पर तो आ यार। उसने कहा मेरी सोसाइटी कितनी दूर है साहब, वहीं से पैदल चलकर आता हूं तो एक घंटा दे तो तारे तुम्हें जल्दी आना चाहिए नौकरी। बोले कैसे आऊं, बड़ी दूर नगरी। कारखाने के मालिक को बहुत करुणा आ गई तो उसने एक साइकिल दिलवा दी, ले अब लेट मत। दूसरे दिन साइकिल लेकर ज्यादा लेट हुआ, कारखाने वाले ने कहा कि तुम्हें पुनामा साइकिल हो, बहुत पुनामा साइकिल, बहुत पुनामा, ठीक है मैं कह रहा हूँ ठीक है, पुनामा साइकिल बहुत बहुत है, ठीक है मेरी बात, महाराष्ट्र में साइकिल का तुमने नई साइकिल तुमको दिलवाई थी, फिर लेट। बोले पहले तो अकेला आता था, अब साइकिल लेकर, क्योंकि मुझे साइकिल आती नहीं, दोरी दोरी ना धीरे धीरे। अब तब तक तो ठीक, विवेक की कोई कहीं कहीं आशा नहीं, लेकिन हद तो तब की हो गई कि रोज रात को वो आदमी साइकिल के दोनों व्हील के टायर से ट्यूब से हवा निकाल देता,
फिर सुबह में हवा भरे। उसकी पत्नी ने कहा कि रोज निकाल क्यों देते हैं? बोले, नई साइकिल में पुरानी हवा नहीं चले। साइकिल नहीं है और हवा पुरानी नहीं है। अरे हवा कभी पुरानी नहीं होती, ये तो हनुमंत तत्व है, सदा सदा प्रणव पवन कुमार। खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सरचावतर। नवी साइकिल में जूनी हवा आपने नो। विवेक से जीने वाले बुद्धिजीवी लोग होते हैं, विवेक से जिए। कुछ लोग इससे आगे होते हैं, विवेक के आगे, बुद्धिजीवी से आगे, वो होते हैं प्रेम जीवी लोग। केवल प्रेम के लिए जीते हैं और कोई, शरीर उनके लिए गांव, मन के विकार उनके लिए कचरा, और प्रेम में इतने डूब जाते हैं कि बुद्धि भी उनके लिए गौण हो जाती है। प्रेम जीवी लोग, प्रेम जीवी से गुरुपना शुरू होता है। गुरु कभी देह जीवी नहीं होता। लगभग इसका कोई दूसरे कृपया अन्यथा न ले, लगभग गुरु रुष्ट पुष्ट न हो, लगभग इन और तो कोई तो कोई मन माफ करे। मैं इस टोन में नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरा तो सबके सामने मारू माथू तो बधाने नम्मा माटेज मारा धड़ ऊपर से, साहब सबको प्रणाम करने के लिए ये शीर मुझे मिला है, विश्व की समस्त विद्याओं को प्रणाम करने के लिए, समस्त विधाओं को नमन करने के लिए, समस्त चेतनाओं को नमन करने के लिए, जर्रा जर्रा प्राणी मात्र को मेरा गोस्वामी जी ने कहा, और तुलसी की रोटी खाता हूँ इसलिए मैं उसका ईमानदारी से निर्वाह करने की कोशिश करता हूँ। सी राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी। ये शरीर क्यों मिला है? शेर मस्तक तो सबको प्रणाम करने के लिए मिला, तो कोई अन्यथा न ले। लेकिन करीब करीब साधु देह जीवी नहीं होता, सदगुरु देह जीवी नहीं होता, वो देह से पृथक हो जाता है। ये व्याख्या करनी बड़ी सरल है साहब, लेकिन जो महापुरुष ऐसे जिए होंगे उनके सम्मान में मैं ये बोल रहा हूं। हम लोग तो देह की उसको वो नहीं, देह उनके लिए बिल्कुल एक आवरण मात्र होता है, जैसे कपड़ा। आत्मा का पोशाक देह है, उससे ज्यादा क्या है साहब? आत्मा का यूनिफॉर्म देह है, एक गणवेश, सबको दो पैर दो हाथ सब, एक गणवेश यूनिफॉर्म है आत्मा का, सब पहने हुए ऐसे घूमते हैं हम लोग। तो सदगुरु वो है जो देह जीवी नहीं, सदगुरु वो है जो केवल मन जीवी, क्योंकि वो किसी का द्वेष नहीं करेगा, किसी की ईर्ष्या नहीं करेगा, किसी के प्रति दुर्बुद्धि नहीं रखेगा, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करेगा कि सबका शुभ हो। और सदगुरु केवल बुद्धिजीवी भी नहीं होता, उनके पास केवल बौद्धिक करामात ही नहीं होती साहब, ये हृदय जीवी है, ये प्रेम जीवी। बुद्धि तो पीछे रह जाती है सदगुरु। भक्ति मार्ग का, प्रेम मार्ग का सदगुरु प्रेम जीवी होता है, और ज्ञान मार्ग का सदगुरु आत्मजीवी होता है। बस ये दोनों शिखर है। अब आत्मा तो हम बोलते हैं, व्याख्यान करते हैं, लेकिन आत्मा को देखी नहीं। प्रेम तो लोगों ने अनुभव किया है, श्री प्रेम देवो भव। मानस यही तो सिखाती है, प्रेमांबु पूरम शुभम। इस
प्रेम तत्व में जो जीता है वो सदगुरु है, आत्म तत्व में जीता है वो सदगुरु है। और प्रेम की इतनी छोटी सी व्याख्या और इतनी महान व्याख्या मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक छोटे से शेर में आ बांट ले कायनात, छोटी बहर की गजल क्या भाई, बिल्कुल सटीक शेर। आ बांट ले कायनात पूरा अस्तित्व पूरा विश्व, आ हम प्रेमी हैं ना, हम भक्त हैं, हम समर्पित हैं, तो आ ये विश्व को हम बांट ले, उसको हम वो कर ले। आ बांट ले कायनात, तू मेरा बाकी तेरा, इससे ज्यादा प्रेम की कोई परिभाषा नहीं हो सकती साहब। छोटी सी छोटी और महिमावंत, आप बांट ले कायनात तू मेरा बाकी तेरा, बस हे हरि हे भीमा शंकर तू मेरा बस, बाकी पूरी कायनात तेरी, पूरी दुनिया तेरी, पूरी खलकत तेरी, प्रेम यही चाहता है बस तू मेरा बाकी तेरा। वो बोल बोल थोड़ा करेगा, बस इतना ही कहेगा। ये लोग प्रेम जीवी लोग हैं, तो भक्ति मार्ग के सदगुरु प्रेम जीवी होते हैं मेरी समझ में, और ज्ञान मार्ग के सदगुरु आत्मजीवी होते हैं, इतना फर्क है। दोनों सदगुरु अवश्य, लेकिन प्रेम जीवी और आत्मजीवी में जितना हो आखिर में तो सब एक हो जाता होगा। लेकिन जब गुरु की वंदना हम करते हैं तब आप सुन, और कई लोग दोनों होते हैं। हनुमान जी दोनों हैं, हनुमान जी सदगुरु हैं विश्व के, वायु के रूप में पवन के रूप में, कोई स्वीकार करे न करे लेकिन विश्व के परम गुरु हैं हनुमान जी। और उनमें दोनों ये प्रेम जीवी भी हैं आत्मजीवी भी हैं। उनके समान प्रेम जीवी कौन, एक प्रभु का सिर पर हाथ पड़ा, प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, असु मेरि से दशा मगन गौरी, सो मेरि गौरी। और हनुमान जी शंकरावतार हैं इसलिए आत्म तत्व है, आत्मजीवी भी हैं। आत्मा त्वम तो पहुंचे हुए सदगुरु में ये दोनों मिलेगा, प्रेम भी तत्व भी मिलेगा, आत्म तत्व भी मिलेगा, ये दोनों उसके पास होता है। ऐसे गुरु की वंदना को स्वामी जी ने करी, बंदव गुरु पर पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, ते करी बीमाला विवेक विलो वर्णव राम चरित भवो बंद गुरु महावीर बिन हनुमान राम जासु जस राम जासु जस। तो वंदना प्रकरण में सबकी वंदना करते करते हनुमंत तत्व की वंदना, और हनुमान जी प्रेम जीवी भी हैं और आत्मजीवी भी हैं इसलिए परम सद्गुरु हैं, ये बात भूलिएगा मत।
मंगल मूर्ति सकल अमंगल मंगल मूर्ति बंदहु राम लखन वैदेही ये तुलसी के करम सने ये तुलसी के परम सने प्रणव पवन कुमार हलवन पावक ज्ञान जासु हृदय आगा बस राम सरचा अतुलित बलधाम ऐम शैला धनुजवन कृशान सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमः। तो आप सब समझ गए गुरु वंदना से लेकर सदगुरु परम सदगुरु हनुमान जी तक की ये बात मैंने संक्षेप में आपके सामने रखी। आज की कथा को यहाँ विराम दूँ, इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय करें। हरे रामा रामा राम सीता राम हरि बोल। हरे रामा रामा राम सीता राम हरे रामा रामा राम सीता राम हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे हरे राम 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 सीता राम हरि बोल। हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम हे हरे राम राम
पहले दिन की कथा यहाँ विराम लेती है। कल से अब रोज सुबह 9:30 बजे कथा का प्रारंभ होगा। 1 बजे के आसपास कथा को विराम दिया जाएगा। तो कल सुबह 9:30 बजे फिर हम मिलेंगे और भगवत चर्चा करेंगे। भाव से बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण भगवान की, सदगुरु भगवान की। ओ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तारत भय अमर सन
Oh,